ये अच्छे से निभा हमारा ये फंक्शन, और अब सारे घर की फिर से एक बार स्विच से डीपली सफाई करनी पड़ेगी, तो थकावट भी बहुत ज़्यादा होगी और फंक्शन में हो ही जाती है, तो मेरी तो सच्ची में लातों में मतलब कंपन सी हो रही है। तो ये जितना भी सामान वगैरह है आधा लोगों से लाए हुए हम, तो ये लौटाना पड़ेगा लोगों को। और अभी यहाँ पे इस वाले की सफाई करनी है, साथ साथ ये जो बर्तन है इनकी भी साफ सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से। तो फिर से इस्तेमाल लिए यहाँ पर कमान मैंने और प्रियंका ने, तो करते हैं जल्दी जल्दी पूरे के पूरे काम को फिनिश, फिर उसके बाद नहाना है और मैंने सो जाना है, यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा हल्का हल्का सा टेम्परेचर भी मतलब बढ़ रहा है बॉडी का, बुखार ना आ जाए। लेकिन थोड़ा जो आइटम्स वगैरह ली हुई है क्योंकि उनको लौटाना फर्स्ट प्रायोरिटी पर है हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसा भी घर है जिनके वहाँ से हमने लाए हुए हैं बर्तन, उनके घर पर भी फंक्शन आने वाला है, तो करते हैं पूरे के पूरे काम को कंप्लीट फिनिश यहाँ पर। गांव के जिन जिन घरों से हमने बर्तन लिए होते, जैसे कि चरोटियाँ होगी, कढ़ाई होगी और भी बर्तन जो हमने अपने फंक्शन में यूज़ किए हैं, तो उन्हीं घरों में डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, ये सामान वापस उन्हीं को लौटा देंगे। और इन सामानों को लौटाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने और प्रियंका ने जितनी भी मैट हमने बिछाई हुई थी अपने घर में उन सभी की हमने काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग की और हमारी कमर ही टूट गई, बहुत ज़्यादा टफ टास्क था ये। ये देख सकते हैं आप, फंक्शन के टाइम में हमने इस तरह से यूज़ की हुई थी ये मैटें, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और इनको पहले धोया हमने और उसके बाद अच्छे से सुखाया अपने लेंटर के ऊपर। अब इनकी अच्छे से तह लगा रहे हैं ताकि घर में अब आने वाले जो नेक्स्ट फंक्शन होगा उसमें इनका यूज होगा। इससे आगे भी आप लोग यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग रहेगा बहुत ही मस्त, आप लोगों के लिए अलग अलग मोमेंट में शेयर करने वाला हूं और एक बहुत ही खास चीज़ लेकर आया हूं। तो क्या है ये खास चीज़, आप लोग देखिए, तो यूं ही जुड़े रहिए। ये एक अचार भी बनता है इस चीज़ का और सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। क्या नाम है इस चीज़ का? मानू है। अच्छा, बांस का मानू है ये? तो ये नई डिश लग रही है, क्या चीज है ये? मानू है, बांस का मानू। तो इसका क्या चीज बनती है, सब्जी की क्या है? सब्जी भी बनती है, अचार बनता है। अच्छा, सब्जी भी अचार भी? तो मैंने सुना नहीं था पहले, किस तरह से बनती है, क्या क्या करना पड़ता है और इसका कौन कौन सा हिस्सा लेना पड़ता है? ये वाला हिस्सा जो सामने रखा हुआ है ये यूज में होने वाला है? बीच वाला। अच्छा, ये होगा यूज में है? हाँ, और ये जो परली साइड है ये नहीं। अच्छा, ये नहीं होगा यूज। फिर किस तरह से अचार बनेगा इसका? उबाल लेंगे इसको और इसमें फिर नमक मिर्च और मसाले जो भी है आपके पास, गरम मसाला, मेथी, वो सब कुछ डाल देना जो जो मसाला अचार में पड़ता है। और सब्जी किस तरह से बनाई जाती है? अच्छा, उबालना है इसको? अच्छा, उबाल के बनती है इसकी सब्जी। तो ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा मुलायम होता है, ये काट रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा भी यही मकसद रहता है कि मेरे ब्लॉग में किसी ना किसी तरह कोई ना कोई नई चीज आप लोगों को सीखने के लिए मिले। मास्टर जी, ये चाहिदा ये। और ये थोड़ा सा वृद्ध आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, तो इसलिए मैंने और प्रियंका ने इनकी यहाँ पर हेल्प कर दी इस चीज को काटने की। देखो,
अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिएगा हमारे ब्लॉग्स को, औरों के साथ भी अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के का भी सपोर्ट हमें दिलाइएगा। तो यूं ही आगे भी कंटिन्यू बने रहिएगा। इससे आगे कुछ न्यू मोमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं और प्रियंका गए हुए थे गाँव में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? तो अभी घर में जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया है और मेरी और पतिदेव की ड्यूटी लग गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ, मानव कौशल विकास एसोसिएशन में। तो देख लीजिए, पतिदेव गए हैं स्कूटी पे और मुझे छोड़ा हुआ है उन्होंने पैदल। तो क्या करना, अपने टांगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन पतिदेव ने रिस्क लिया है और वो अपने रिस्क पे जा रहे हैं। भाई मैं तो जा रही हूँ अपने टांगों पे ना, वो जा रहे हैं स्कूटी की टांगों, स्कूटी की टांगों पे। तो भाई अपनी टांगों पे विश्वास होना चाहिए। देखिए व्हीकल तो गिर भी जाएगा कहीं, और कहीं टांगे टूंगे टूट गई तो फिर और कोई काम पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आप जाओ, मैं तो आऊँगी पैदल ही। तो मैं आ रही हूँ पैदल और देखिए बाबूजी जा रहे हैं स्कूटी पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव में, जाना पड़ेगा जो जो हमारे पंचायत के अंडर हैं। तो देख लीजिए खुद जा रहे हैं भाई स्कूटी पे और पत्नी जा रही है पैदल। तो भाई मैं चल पड़ता हूँ पैदल इस रोड से, तो ऐसा है पैदल चलना है, ठीक है। रिस्क भी आपने खुद लिया था। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं चाचू के घर, तो वहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, बाकी देखते हैं आगे कि क्या क्या होता है। तो ये रहा चाचू जी का घर, तो ये हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या बनता है। चलिए आपको मिलवाते हैं वहीं पे ही। अब धूप बहुत अच्छी लगी हुई है, क्योंकि हमारा जो अम्मा जी का फंक्शन था कल, तो उसमें भी कोई बारिश नहीं हुई, बहुत अच्छा सा हो गया फंक्शन। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब बारिश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है सब सिस्टम। तो ये है चाचू का घर जहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और चाचू हमारी पंचायत में मेंबर हैं। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ। और हमारे पंचायत में 7 वार्ड हैं, तो उनमें से देख लीजिए चाचू भी मेंबर हैं किसी एक वार्ड के। तो मिलवाते हैं आपको उन्हीं के घर में उन्हीं से। तो देख लीजिए इन्होंने आम के पेड़ लगाए हुए थे, लेकिन मुझे एक भी आम खाने को नहीं दिया। तो चलिए आज लोगों को मिलवाते हैं। क्या बात है, नमस्कार जी करते हैं इनको। नमस्ते चाचू जी। नमस्कार जी। मैं आया था यहाँ पे पंचायत के काम से थोड़ा सा। ये है हमारी पंचायत, और यहाँ पर मेरी नज़र अचानक से पड़ी गाड़ी के ऊपर। तो ये गाड़ी आप लोग देख सकते हो, तो ये देख सकते हो गाड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो ये इसमें आइसक्रीम है, बादाम शेक है, रबड़ी, फालूदा, काजू शेक है, अंजीर शेक, फ्रूट सलाद, स्प्रे लस्सी, मैंगो मस्तानी, मिल्क बादाम वगैरह, हर एक आइटम है इनके पास जो समर के टाइम में सभी की डिमांड में रहती है। तो गाड़ी भी भाई मेरे को दूर से दिखी और काफ़ी चमचमाती हुई गाड़ी है। तो चलिए करते हैं भाई जी से बात, किस तरह से इन्होंने इनके माइंड में ये आइडिया आया, क्योंकि ये चलते फिरते अपनी इस दुकान से ही इस शॉप को चलाते हैं। तो ये देखिए, ये दिख रही है इनकी गाड़ी, थोड़ा सा दूर से मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। और ये देखिए, और करते हैं भाई जी से भी बात, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि भाई जी से ही पूछेंगे पूरा का पूरा हर एक चीज़। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये भैया का बॉक्स है और इसके अंदर ये अलग अलग फ्लेवर्स में है आइसक्रीम, बाकी कलर भी आप लोग देख सकते हो। तो काफ़ी मस्त लग रहा है मेरे को इनका काम। बाकी मैं थोड़ा सा इस साइड पे आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने। ये क्या क्या चीज़ें हैं आप बताएंगे? ये आइसक्रीम ही है। ये भी आइसक्रीम ही है। हाँ। और ये फ्लेवर कौन कौन से आप थोड़ा सा बताएंगे? ये वेनिला है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये चॉकलेट है इधर, और ये इधर पिस्ता है, ये स्पेशल वेनिला है। अच्छा, ये स्पेशल वेनिला है। और इस वाले में भी है कुछ? इसमें अभी कुछ नहीं है, कुल्ची रखते हैं उसमें, लेकिन है नहीं। अच्छा, बारिश की वजह से नहीं बना। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताओ मेरे को कि आप कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। राजस्थान के हो, तो आप यहाँ पे हमारे हिमाचल में आए हो। और इस तरह से मतलब, क्योंकि लोगों की ये सोच रहती है कि कोई प्लेस पे मतलब हम दुकान मतलब खरीदें पहले, फिर उसमें अपना व्यापार वगैरह चालू करें, लेकिन आपका मैंने देखा जिस तरह से, हालांकि मैंने सर्कल घाट में भी देखा हुआ है आपके इस वाले ये दुकाड़ी है, और धर्मपुर में भी देखा हुआ है, तो आपके मन में ये किस तरह से आइडिया आया कि मैं इस तरह से चलाऊँ, और ये हम कैसे रहा ये आइडिया? पहले धर्मपुर में चलाते थे, रेडी थी हमारे। ओके। उसके बाद में फिर हमने ये जुगाड़ बनाया ताकि इससे हम एक दूसरे गाँव में भी जाके अगर अपन काम काज कर सकते।
तो ये मॉडिफाई कहाँ पे करवाई हुई आपने गाड़ी? गाड़ी तो एकदम से आपने राजस्थान भीलवाड़ा। अच्छा, तो बहुत ही प्यारी बनाई हुई है गाड़ी भाई जी ने, और साथ ही साथ आपकी राजस्थान की कुछ संस्कृति वगैरह भी है ना? हाँ, ये चित्तौड़गढ़ का किला है। अच्छा, रानी पद्मावती का महल। अच्छा, ये भी वही है। और इस साइड भी ये जो आपके साइड पोशाक वगैरह हैं, ये हमारे राजस्थानी पोशाक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये भाई जी ने तैयार कर दिया आइसक्रीम मेरे लिए, और क्या ही बढ़िया दिख रही है ये देखिए। तो अभी टेस्ट करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से बनी हुई है ये। तो चलिए भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने देश के लोगों को इस तरह की मतलब नई कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो अपने माइंड पे, और उसे एक ग्राउंड लेवल पर लेकर आते हो, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और आपका व्यापार यूं ही आगे बढ़ता रहे, और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे चैनल के थ्रू अगर आपके ऊपर ज़्यादा प्यार बरसाए जनता।